गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज नया टॉपिक तो नया नहीं है, ठीक है, लेकिन नई पैटर्न है सम्स की। तो एक्सरसाइज 7F जो लास्ट एक्सरसाइज है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जाके ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैथमेटिक्स में ये टाइप के सम्स आएंगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इसको करते कैसे है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन वन में फर्स्ट वन है 1/3 + 1/4। हम यहाँ पे ना कोई भी शॉर्टकट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सारे सम्स में एक ही पैटर्न यूज़ करेंगे और वही पैटर्न से जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, फाइन। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करना है, उसको सेम करो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप एलसीएम पहले फाइंड करो। तो 3 1 4, ये 2 2 2 1 1, सीधा दिख ही रहा है कि 3 × 4 तो क्या होगा, 12 ही होगा। लेकिन हम जैसे मैंने बोला, हम सेम मेथड से जाएंगे, ठीक है। 12 है, सो 1/3 को, 3 को मुझे 12 बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 4/4 करूँगी, तो ये क्या होगा, 4/12 हुआ, ठीक है। और ये 1/4, इसको मुझे 12 बनाना है, तो न्यूमरेटर में भी 3 से जाएगा, सो 3/12। अब 1/3 की जगह पे 4/12 लिखिए और 1/4 की जगह पे 3/12 लिखिए। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा और आंसर आपका रहेगा 7/12। देखो अब है ना, स्कूल में हो सकता है आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाए और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करे, लेकिन ये कब तक होगा, जब बहुत छोटे छोटे नंबर्स होंगे ना तब होगा, ठीक है। हर बार वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना फिजिबल नहीं रहेगा, तो बेटर आप ये एलसीएम मेथड ही फॉलो करो और वही मेथड से ही सारे सम्स करिए। सो सेकेंड है 3/8 + 1/12, तो 8 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं, पहले 2 से ही जाएंगे, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 3 एज़ इट इज़ 3 1 ज़ा एंड 1 ज़ा, तो 2 × 2 × 2 × 3, तो एलसीएम क्या हो गया, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब 3/8 है तो 8 3 ज़ा 24, तो ये 9/24 हुआ, और 1/12 है तो × 2, और ये भी × 2, तो ये 2/24 हुआ। अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 11/24। यहाँ पे एक और स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ओके। थर्ड है 4/5 + 2/7 + 3/10, तो अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 5 1 7 as it is 1 and 7, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज 2 × 5 × 7 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 70। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 5 है, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि 5 को कौन से नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 70 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 5 आ गया, बचा क्या, 14, राइट। तो क्या करना है, × 14/14, सो 56/70। अब 2/7, ये तो पता ही है क्या होगा, 10/10 से करेंगे, सो 20/70। 3/10 को भी पता ही है हम क्या करेंगे, 7/7 से, सो 21/70, ठीक है। सो 4/5 की जगह पे 56/70 + 20/70 + 21/70, तो ये क्या हो गया, 7 हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 9, 97/70, 2/9 + 5/12 + 13/18,
सो 9, 12 और 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. सो 2, 9, 3, 9 एज इट इज, फिर 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3, 1, 1. तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम है 2 × 2 × 3 × 3, सो 4 9 ज़ा क्या होगा, 36. ठीक है, सो 2 by 9 × 36 चाहिए, तो 4 by 4 विच इज़ इक्वल टू 8 by 36. 5 by 12 मतलब 3 ऊपर भी 3 से, सो इट्स 15 by 36. फिर 13 by 18, अब 18 है तो मुझे तो पता ही है क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो ये भी क्या होगा, 13 2 ज़ा 26 डिवाइड बाई 36. ठीक है, अब ये सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, 8 by 36 plus 15 by 36 plus 26 by 36 विच इज़ इक्वल टू 8 plus 15, फोर्टी नाइन बाई 36. जो अगर आप मिक्स फॉर्म में लिखना है तो वो है, पता है ना, QRD फॉर्म, ऐसे लिखते हैं इसको, डिवाइड करेंगे 49 को 36 से, और ये रहा 13. सो Q मतलब क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1. R मतलब रिमाइंडर, सो यहाँ पे 13 आएगा, और ये डिनोमिनेटर, सो इट इज़ 36. ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा. टू जैसे एडिशन था वैसे ही सब्ट्रैक्शन है. सो इट्स 5 by 8 minus 4 by 7. सो यहाँ पे देखिए 8 और 7, सो इट्स 2 4 ज़ा 7 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 7 एंड 7. तो एलसीएम क्या आएगा, 8 7 ज़ा 56. सो 5 by 8 × 7 by 7 मतलब कि 35 by 56, एंड 4 by 7 इज 8 by 8 विच इज़ इक्वल टू 32 by 56. सो 35 by 56 माइनस 32 by 56 इज इक्वल टू 3 by 56. 7 by 10 माइनस 1 by 5. सो 10 और 5 का वैसे देखने जाओगे कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो एलसीएम वही रहेगा, लेकिन हमको ये सब याद नहीं रखना है, हम सिंपल बस ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ही जाएंगे. सो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हुआ 2 × 5 इज इक्वल टू 10. तो 7 तो है ही 10, तो हम 1 by 5 को क्या कर देंगे, 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट्स नथिंग बट 2 by 10. सो 7 by 10 माइनस 2 by 10 विच इज़ इक्वल टू 7 minus 2 by 10 विच इज़ इक्वल टू 5 by 10 विच इज़ इक्वल टू 1 by 2. 9 minus 3 by 7, सो 9 and 7, सो इट्स 3 3 ज़ा 7 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 7 एज इट इज़, 7 1 1 ज़ा. सो एलसीएम क्या होगा, 9 7 ज़ा 63. तो 5 by 9 × 7 by 7 विच इज़ इक्वल टू 35 by 63, एंड 3 by 7 × 9 by 9 विच इज़ इक्वल टू 27 by 63. सो डिफरेंस क्या होगा, 35 by 63 माइनस 27 by 63 इज़ इक्वल टू 8 upon 63 है. 1 minus 3 by 8, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 ही कंसिडर करो, और एलसीएम क्या आएगा आपका, ये एलसीएम विल बी 8 1 ज़ा 8. ठीक है, सो इसको 8 और 8 बनाना है, तो इसको 8 by 8 करेंगे. सो 8 by 8 माइनस 3 by 8, 8 minus 3 by 8 विच इज़ इक्वल टू 5 by 8. तो अब क्या है, पहले सिर्फ एडिशन था, फिर सब्ट्रैक्शन था, अब
सब है। सो फर्स्ट है 2/7 माइनस 5/6 प्लस 3/4, 7/6 4, सो 2/7 as it is 3, 2; 2/7 as it is 3, 1; 3/7 as it is 1, 1 and 7 as it is 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या रहेगा, टू टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84, सो एलसीएम इज़ 84। सो 2/7, 7 देखो ये 7 हो गया, ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, सो 12/12 विच इज़ इक्वल टू 24/84। फिर 5/6 इन टू ये 6 में ये देखो 2 और 3 आ गया, बचा क्या 14, सो 14/14 विच इज़ इक्वल टू 20/84। फिर 3/4 इन टू 21/21, सो इट्स 63/84। सबको सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये सबको डालो 24/84 माइनस 20/84 प्लस 63/84, सो इट्स 4 + 63, सो इट्स 67/84। ठीक है, देखिए मेरा आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में पीछे अगर आप देखेंगे तो 17 है, मैंने चेक किया मेरे एन से, ठीक है, मुझे तो कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन अगर आपको आ रहा है आंसर तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 1/3 माइनस 3/4 प्लस 5/8, सो एलसीएम 3, 4 and 8, 2, 3 as it is 2, 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 3 as it is 2, 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 3 as it is 1 and 1 and then 3, 1, 1 and 1, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा 8 3 ज़ा 24। ओके, सो 1/3 को मुझे यहाँ पे 24 बनाना है, तो मैं इसको 8/24 बनाऊँगी। फिर 3/4 है तो इसको 6/6, तो मतलब 18/24 होगा। फिर 5/8 है तो मल्टीप्लाइड बाई 3/3, तो इट्स 15/24। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सम 8/24 माइनस 18/24 प्लस 15/24, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए 8 - 18 + 15 / 24, तो ये -10 + 15 मतलब 5/24। और है 3/4 माइनस 1/5 माइनस 1/6, सो इट्स 4, 5 and 6, सो 2, 2 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 2, 1 ज़ा 5, 3, 3 में 1 as it is 5 as it is 1 and then 5, तो एलसीएम क्या होगा 2 × 2 × 3 × 5, सो 12 5 ज़ा क्या होगा 60। ठीक है, तो 3/4 को इसको मुझे 60 बनाना है, तो इंटू 15, सो इट्स 45/60। फिर 1/5 को मुझे बनाना है, तो इट्स 12/12, सो इट्स 12/60। 1/6 को तो 10/10 विच इज़ इक्वल टू 10/60। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45/60 माइनस 12/60 माइनस 10/60, ठीक है, तो 45 माइनस 12 क्या होगा 33 एंड 33 माइनस 10 क्या होगा 23, सो इट्स 23/60। 2/5 प्लस 3/4 माइनस 7/15, सो 5, 4, 15, सो इट्स 2, 5 as it is 2, 2 ज़ा 15 as it is, इट्स 2, 5 as it is 1 and 15,
देन थ्री फाइव एज इट इज वन एंड फाइव एंड देन फाइव वन वन एंड वन, ठीक है. एल सी एम क्या होगा, अगेन एल सी एम विल बी 60, ठीक है. सो टू बाई फाइव, फाइव को 60 बनाना है तो डिवाइड बाई 12, सो इट्स 24/60. थ्री बाई फोर को बनाना है तो इट्स 15/15, सो इट्स 45/60. देन 7/15 को, सो इट्स 4/4 विच इज़ इक्वल टू 28/60. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24/60 प्लस 45/60 माइनस 28/60 विच इज़ इक्वल. सो ये देखिए फर्स्ट वाला क्या है, ब्लैंक है, प्लस 4/9 इज इक्वल टू 5/6. सो लेट दिस बी ए बाई बी प्लस 4/9 इज इक्वल टू 5/6. तो ये देखिए क्या होगा, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे. सो इट्स ए बाई बी इज इक्वल टू 5/6 माइनस 4/9, और इसका एलसीएम देखेंगे. 2 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 1 ज़ा, सो इट्स 9 2 ज़ा. एल सी एम क्या होगा, 9 2 ज़ा 18, ठीक है. तो 5/6 को मुझे 18 बनाना है तो 15/18 हो जाएगा, और 4/9 2/2, सो इट्स 8/18, ठीक है. अब करना क्या है, सो ए बाई बी इज इक्वल टू 5/6, मतलब कि 15/18 माइनस 4/9, मतलब 8/18, सो विच इज़ इक्वल टू 15 - 8/18 विच इज़ इक्वल टू 7/18 इज स्क्वेयर माइनस 3/8 इज इक्वल टू 1/8. तो यहाँ पे लेट दिस बी ए बाई बी माइनस 3/8 इज इक्वल टू 1/8. सो ए बाई बी इज इक्वल टू 1/8 प्लस 3/8, सो ए बाई बी इज इक्वल टू 4/8. सो ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है. तो अब तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सो ए बाई बी डिनोमिनेटर सेम है, तो इट्स नथिंग बट 1 + 3/8 विच इज़ इक्वल टू 4/8 विच इज़ इक्वल टू 2/4, एंड 2/4 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1/2, ठीक है. मतलब दोनों को 4/8 को हमने डिवाइड बाई टू किया है, ठीक है, और यहाँ पे भी वही किया है. 8/8 माइनस इज इक्वल टू 1/24, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस. सो 5/8 माइनस 1/24 इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू ए बाई बी. अब 8 and 24, सो इट्स 2 4 ज़ा 12 ज़ा, सो 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 1 ज़ा. तो ये क्या होगा, देखिए 8 3 ज़ा, एल सी एम इज 24, ठीक है. तो ए बाई बी इज इक्वल टू 5/8 माइनस 1/24. तो 5/8 को करना है 24, तो क्या करेंगे, 15 - 1/24, सो इट्स 14/24 विच इज़ इक्वल टू 7/12. स्क्वेयर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/6, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं. सो ये ए बाई बी होगा, तो 1/6 प्लस 1/4, तो इसका तो मतलब 6 and 4 है ना, तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 1 ज़ा, तो ये क्या होगा, 4 3 ज़ा 12. तो 1/6 को 12 करना है, सो इट्स 2/12, सो इट्स 3/3, सो इट्स 3/12. सो 2/12 ए बाई बी इज इक्वल टू 2/12 प्लस 3/12, सो इट्स 5/12. 5 है पहले, अब ये जो है ना नॉर्मल पहले फ्रैक्शन से कर लो. सो ये 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/3 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 इज 22/
फाइव, ठीक है, तो इसका एलसीएम तो क्या होगा, 15 ही होगा. सो एलसीएम इज व्हाट, 15. सो 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/5 इज इक्वल टू 80/15. सो 22/5 इंटू 3/3, सो इट्स 66/15. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दोनों को हमें प्लस करना है, ठीक है. तो सो ये होगा 80 + 66/15 विच इज़ इक्वल टू 146/15. सो ये तो 5 और 6 11 है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसको क्यू आर डी फॉर्म में लेके चलते हैं. सो 146 एंड डिवाइड बाई 15, सो 15 देखिए 15 का 15 नाइन्ज़ा क्या है, 135 है, ठीक है. तो नाइन्ज़ा जाएगा इधर 135, तो ये 11 हो गया, ठीक है. अब इसको क्यू आर डी फॉर्म में लिख दीजिए. तो क्वेश्चन क्या है, 9, रिमाइंडर क्या है, 11/15. ओके, है 2 1/9 + 1 1/3, तो 18 19/9 + 3 + 1 4/3, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 9 और 3 है, सो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो मतलब एलसीएम क्या रहेगा, 9. सो ये तो 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ पे हमें दोनों को 9 बनाना है. सो 19/9 + 12/9, सो इट्स 31/9, ठीक है. अब इसको आपको क्यू आर डी फॉर्म में लिख दो. सो 31/9, सो 9 3 ज़ा 27, सो इट्स 4. सो क्यू आर डी फॉर्म में 3, रिमाइंडर 4 डिवाइड बाय 9. ओके, 30 + 2 + 2 32/5 + ये क्या होगा, 15 है, 15 + 1, अरे सॉरी 15 × 2 = 30, 30 + 1 = 31/15. तो ये तो देखिए 15 है और ये 5 का मल्टीपल है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 32/5 × 3/3 + 31/15, ठीक है. तो 32 × 3 करेंगे तो क्या होगा, ये 96/15 + 31/15 विच इज़ इक्वल टू 127/15. अब 127/15 है, तो 127 एंड डिवाइड बाय 15, तो 8 ज़ा ही ये 120 हो गया और ये 7. तो अगर क्यू आर डी फॉर्म में लिखना है तो इट्स 8/7/15. ओके, और क्यू आर डी फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी क्या है, क्यू आर डी फॉर्म में ही है, तो आपको ये जो आंसर लिख रहे हो वो भी क्यू आर डी फॉर्म में ही लिखना है. तो है 3 7/9 + 2 1/3 + 1 5/6, तो ये 27 + 7, सो इट्स 34/9 + 6 + 1 7/3 + 6 + 5 11/6, ठीक है. सो 9 3 and 6, सो 2 9 3 and 3 ज़ा 3 का 3 ये 1 and 1 and again 3, तो क्या होगा, 9 2 ज़ा 18, ठीक है. सो 34/9, इसको 18 चाहिए. सो 34 × 2 = nothing but 68/18, राइट. 7/3, तो ये 6/6 होगा, सो इट्स 42/18. फिर 11/6 × 3/3 होगा, तो इट्स 33/18, ठीक है. तो देखिए 68/18 + 42/18 + 33/18, ठीक है. 8 + 2 = 10, 10 + 3 = 13, और ये 1. सो 7 + 4 = 11, 11 + 3 = 14/18, ठीक है. अब इसको डिवाइड करो 143 और 18 का, तो 18 × 4 करेंगे तो 72, 18 × 6 करेंगे
तो 108 आ रहा है, 18 इंटू 7 करेंगे तो 126 आ रहा है, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट 7 जा 126 और ये 1 एंड 17, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्यू आर डी फॉर्म में क्वोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। 1 + 1 1/2 + 1 3/4 + 1 1/6, सो इट्स 2, 4 एंड 6, सो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 1 एंड 3 एंड 3 1 1 एंड 1, ठीक है। तो 12 होगा, राइट। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इट्स नथिंग बट मतलब क्यू आर डी फॉर्म को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सो इट्स 1 + 3/2 + 4 + 3, 7/4 + 7/6। तो ये देखिए, ये 3/2 है, उसको क्या चाहिए, 12 चाहिए। सो इट्स 6/6, सो 18/12। फिर 7/4 है तो इट्स 3/3, सो 21/12। सो 7/6 इंटू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 14/12, ठीक है। अब ये सबको क्या करना है, सो 1 + 3/2 18/12 प्लस, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये क्या होगा, 12/12 प्लस 21/12 प्लस 14/12, सो 12, तो 2 एंड 8 इज़ 10 और ये 5, 15, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, सो इट्स 65/12। तो क्यू आर डी फॉर्म में 65 और 12, सो 5 जा 60 एंड 5, तो 5 एंड 5/12 ऐसा होगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।